कमला मैडम से आग्रह कर रहा हूँ कि आकर स्थान ग्रहण करें, अपना व्याख्यान प्रारंभ कर हम लोगों को लाभान्वित करें। ये तो कल हो चुका ना, रोज रोज क्या हो? एक दिन हो गया। मानस जी अच्छा, मानस जी मानेंगे नहीं? आप मानेंगे नहीं तो आप मानसिक करिए, सबको क्योंकि बड़ी हूँ इसलिए आशीर्वाद पूर्वक नमस्कार कर रही हूँ। आज द्वितीय व्याख्यान मेरा होगा। कल मित्र संप्राप्ति की जो प्रारंभिक कथा थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि मित्र कैसे बनते हैं, कैसे बने परस्पर। एक लघु पतनक नाम के थे और एक हिरण्यक, और तीसरे जब वो लघु पतनक उनको ले जाते हैं अपनी पीठ पर बैठा करके हिरण्यक को, अकाल पड़ने के कारण दूसरे स्थान पर जहाँ पर अच्छा सा तालाब है, सब खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है, तो वो अपने मित्र मंथरक को बुलाते हैं। मंथरक कछुए का नाम है जो जलचर भी है, थलचर भी कुछ अंशों में होता है। तो कहते हैं कि मंथरक से मित्र तुम आओ मुझसे मिलो, और मंथरक डर जाता है और डर करके सीधे तालाब में घुस जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब उसको पहचान आती है कि नहीं ये लघु पतनक जो है मेरा मित्र है, तब वो उससे कहता है अच्छा बहुत दिन के बाद तुमसे भेंट हुई है तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। और कहता है ये कौन है, ये भक्षक का कैसा मेल है? तो बताता है कि नहीं ये भक्षक भाव यहाँ नहीं है, यहाँ पर ये मेरे अपर प्राण के रूप में है हिरण्यक। अपर प्राण के रूप में है और जो है मैं इसको लाया हूँ और ये कुछ उदासीन है, तो क्या कारण है तुम्हारी उदासी का ये पूछा, तो कहा कि चलो वहीं बताएंगे। तो हिरण्यक से वो लोग प्रश्न पूछने लगते हैं कि तुम्हारे दुख का क्या कारण है। तो उसने पहला एक कथा सुनाई जिसमें कि एक ताम्रचूर नाम का सन्यासी था, वो आया और उसके घर में उसका एक मित्र आया, और मित्र आया तो वो उसने उसको बैठाया, और जब वो कुछ आपस में वार्तालाप करने लगे तो उन लोगों ने कहा कि उसकी वार्तालाप में मन नहीं लगा ताम्रचूर का, जो अभ्याग जो आतिथेय था, जो गेस्ट एंड होस्ट कहते हैं ना, तो होस्ट जो था वो गेस्ट की बात पर नहीं मन लगाता था, तो उसको बड़ा गुस्सा आया अतिथि को कहा कि हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे और तुम इस तरह से हमारी बात नहीं सुन रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, बात की अन्य मनस्कता का कारण कुछ और है और ऐसी ऐसी बात है। तो उसने बताया कि ये एक चूहा है, बहुत तंग करता है। तो कहा कि चलो उसका देखा जाए कि उसके अंदर धन की उष्मा है, उसके बिल में कहीं धन रखा है विशेष, जिसके कारण वो इतना कूद रहा है उस गर्मी में। तब फिर उस पर जो है उसने कहा कि ये कैसे होता है कि धन रहे और इस तरह से होता है। तो उसने एक दूसरी कथा आरंभ की कि एक ब्राह्मण था और उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज जो है बहुत अच्छा संक्रांति का समय है, इस समय किसी को भोजन कराने से बहुत अच्छा होगा। तो ब्राह्मणी बड़ा नाराज होती है, कहती है ब्राह्मण तुम इतने दरिद्र हो और हमको सिखा रहे हो दान करने की बात। तो ब्राह्मण डर जाता है, फिर भी कहता है देखो जो है दान बहुत उत्तम चीज है, और अगर निर्धन व्यक्ति दान करता है तो अगर वो एकदम थोड़ा सा भी दान कर देता है तो उसको उतना ही फल प्राप्त होता है जितना महादानी खूब ज्यादा दान करने से करता है। तो जो है फिर वो ब्राह्मणी जो है कहती अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जो है थोड़ा तिल रखी हुई हूँ और
उसको साफ करके बढ़िया बना करके और मैं जो किसी को भोजन करा दूंगी और उस ब्राह्मण को भोजन कराने का जो पुण्य लाभ होगा वो मुझे मिलेगा करके वो तिल को साफ करती है, उसको कूट पीसती है, पीस के सुखा देती है एक जगह। तो जैसे ही सुखाती है तो एक कुत्ता आता है, उसमें उसको गंदा कर देता है। तो वो सोचती है अब इससे कैसे भोजन कराए, तो दूसरे उस तिल को दूसरे से बदलने जाती है, दूसरे के यहाँ कि दूसरे के यहाँ बदलने जाती है कि मेरे साफ तिल है तो मुझे पुराना ही दे दो। तो उसका लड़का कामंदक नीति का बड़ा ज्ञाता है, तो वो सोचता है कि इसमें जरूर कुछ कारण है कि ये इतने अच्छे तिलों को जो है खराब तिलों से क्यों बदल रही है, इसमें एक कारण है। तो वो कहता है कि माता ये इन तिलों को तुम मत लो, इस प्रकार से उसको रोक देता है। तो इस प्रकार उसको बताते हुए वो ब्राह्मणी जब उसने ये कह देता है तो इतनी कहानी उसको बताता है कि जिस प्रकार से उसने जो कामंदकी नीति सार का ज्ञाता जो पुत्र था पड़ोसन का, उसने जिस प्रकार कहा कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, यह अपने सुंदर तिलों को हमारे बिना साफ किए तिलों से बदल रही है, इसमें जरूर कोई कारण है। उसी प्रकार यह चूहा इतना कूद रहा है, इसमें भी कोई कारण है। तो चलो यह जिस मार्ग से आता है उसको देखें और उसी मार्ग से अनुसरण करते हुए इसके बिल को खोदें। तो उसके बिल को खोदते हैं तो वहां एक मणि रहती है। वो मणि को जो है देखते हैं कि इसी मणि पर यह कूदता था, उस मणि को वो निकाल लेते हैं। अब जैसे ही मणि निकल जाती है वैसे ही जो है वो निर्बल हो जाता है। वो सोचता है कि मेरी सारी शक्ति ही चली गई और जो है अब मैं क्या करूं। तो फिर कूदने की कोशिश करता है तो वो एक दो फुट भी नहीं कूद पाता है। तो इसी पर वो कह रहे हैं कि अर्थेन बलवान सर्वो व्यर्थ युक्ता सा पंडिता, जो अर्थ से ही सब बलवान होते हैं और जो अर्थ से युक्त है वही पंडित है। पश्चन मूषकम व्यर्थम सजातो समताम मतम। देखो इस चूहे को ही देख लो, अब यह चूहा एक सामान्य चूहे की तरह हो गया। अब अर्थ का मतलब यहाँ पर है केवल धन से ही नहीं है, एक ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके पास अधिकार है। तब ना आज अधिकार होने के कारण मोदी जी को कैसी कैसी बात लोग कर रहे हैं। एक कवि युद्ध आ रहा था GTV में, उसने एक ने बड़े मजे से कहा, बड़ा सुंदर कहा कि हमने चुना सिंह को मच्छर को नहीं, हमने अरबी घोड़े को चुना खच्चर को नहीं। और उसके बाद कहता है कि मोदी जी आपके साथ पूरा हिंदुस्तान है, आपके साथ पूरा संसाधन है, इस पर अगर इस बार अगर अपने आर पार नहीं किया तब फिर कुछ आगे नहीं होगा करके कवि जो है वो वीर रस की कविता से जोश भर रहा है राजा में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अर्थ से बलवान है ना। जब व्यक्ति इस प्रकार से संसाधनों से परिपूर्ण हो जाता है तब वह व्यक्ति नहीं रहता है, व्यक्तित्व हो जाता है। इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे भारत के प्रतिनिधि हैं, वो भारत राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, वो कोई व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं है। तो इसी बात को वो कहता है। अब हिरण या चूहा जो है बिल्कुल सोचता है कि मैं तो बिल्कुल बेकार हो गया, मेरा तो जीवित रहते हुए भी हम मरे के समान हो गया, तो बिल्कुल ही नहीं कर पाया। सोचा फिर भी अपने जीवन को दांव में लगा करके भी अपना जो खोया हुआ धन है उसको पाना चाहिए, अगर उस धन को प्राप्त करने में जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं। यह भी है कि हमने अगर कोई चीज खो दी है तो पुनः उसको पाने का प्रयास करना चाहिए, हाथ पैर छोड़ करके नहीं बैठना चाहिए, ये भी पंचतंत्रकार कह रहे हैं। तो फिर वो कोशिश करता है कि उसके सिर पर वो रखा रहता है पिटारी, उसके अंदर मणि रहती है, तो उसमें छेद करके पिटारी को मैं किसी तरह निकाल लूं। तो जब तक वो निकालने की कोशिश करता है तब तक वो जाग जाता है और उसको फिर उसी बांस के डंडे से मारता है। तो कहता है कि मेरी आयु शेष थी इसकी वजह से मैं बच गया और मेरा सब लूट गया। ये कथा उसने सुनाई। अब ये कथा हिरण्यक ने कछुए को और वायस को दोनों को सुना दी, अपने मित्रों को। तब हिरण्यक जो है फिर क्या कहा। अब देखो, एक तो यह है कि उसके जब उसके पास अर्थ था,
तब उसके अंदर गर्मी थी, तब उसके अंदर ताकत थी, तब उसके अंदर उत्साह था। अब अर्थ जब चला गया तो उसका सब जैसे अंदर से किसी ने पूरी शक्ति ही छीन ली। और उसके बाद उसको समझ में आया कि यह अर्थ मेरे भाग्य में नहीं था, क्योंकि उसने दोबारा से फिर से प्रयास किया तो उस प्रयास में भी वह असफल रह गया। मरा भी नहीं, जीवित रहा लेकिन असफल रह गया। तब उसको यह समझ में आया कि प्राप्तव्यम अर्थम लभते मनुष्य देवोपितम लंघयितुं न शक्तः तस्मान् न शौचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं न तत्परीक्षाम। ये हिरण्य कह रहा है, हैं? कि अब ये मालूम हुआ। अच्छा, अब इसमें से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि हमको प्रयास तो सदैव करते रहना चाहिए। जितनी क्षमता भगवान ने हमको आंतरिक क्षमताएं जितनी दी हैं उनका हमें उपयोग करना चाहिए, उनका विकास निरंतर करते रहना चाहिए। और उनका विकास करने के लिए जो जो हमको संसाधन मिल रहे हैं, जो परिवेश हमको मिल रहा है, जो गुरुजन हमको मिल रहे हैं, उनके सानिध्य में हमको जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें भी असफलताएं हमेशा मुंह बाके खड़ी रहती हैं। जैसे लगता है कि बड़ा पुष्पहार लिए हुए असफलताएं हम लोग का वरण करने के लिए तैयार रहती हैं। तो उस समय के लिए वो बता रहे हैं प्राप्तव्यम अर्थम लभते मनुष्य, जो प्राप्तव्य अर्थ है, जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, वह मनुष्य उसको तो हम पाएंगे। और जो भाग्य में लिखा हुआ है, जो प्राप्त पाना है, उसको देव दैव भी माने भाग्य भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसा न हो कि हम कर्म करें और उस कर्म में अगर हम असफल हो जाएं तो हम अवसाद में आ जाएं, अवसाद में आकर के हम कुछ अनर्थ कर डालें, जैसे बच्चे करते हैं आजकल। नवयुवा जो हैं जब बहुत निराश हो जाते हैं तो अपने जान की ही बाजी लगा देते हैं। तो उसी पर वो कह रहे हैं कि नहीं, तस्मान न सोचामि न विस्मयो मे, इसलिए उस पर हम शोक भी न करें और विस्मित भी न हो, क्योंकि यदस्मदीयम न तत् परेषां, जो हमारे भाग्य में है उतना ही मिलेगा, जो भाग्य में नहीं है वो नहीं मिलेगा। इस पर एक कथा सुनाते हैं कि एक जुलाहा है, एक जो है सागर दत्त नाम का व्यक्ति था। उसने जो है अपने उसके पुत्र को एक पुस्तक मिल गई, उसने पुस्तक खरीदी और उसमें यही प्राप्तव्यम अर्थम लभते मनुष्य लिखा हुआ था। तो उसने जब वो सब कहने लगा इस तरह से तो उसके घर वालों ने सोचा ये बड़ा निकम्मा है, खाली यही बात बोलता है प्राप्तव्यम अर्थम लभते मनुष्य, तो उसको घर से निकाल दिया। कहा तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ घर में बैठे बैठे जो है इस तरह से खाली अन्न खाओगे, काम के न काज के शेर भर अनाज के, जाओ यहाँ से। उसको निकाल दिए, घर वाले भी नहीं पूछते हैं जब अर्थ नहीं रहता है तो वो जो है चला गया। जाते 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 जो है उसने रास्ते में जा ही रहा था तो एक राजकन्या जो है ने उसको देखा, नहीं राजकन्या ने उसको नहीं देखा, वो जा रहा था वो भी, और एक राजकुमार भी आ रहा था। तो राजकन्या ने उस राजकुमार को देखा और अपनी सखी से कहा कि ये तो बहुत अच्छा है और इसको जो है तुम कह दो कि महल में आए। तो वो उसकी सखी गई और उसने बताया कि देखो महल में जो है हम ऐसे लटकाएंगे वो रस्सी, उसको चढ़ करके तुम रात को आ जाना। तो राजकुमार ने उस समय तो उससे हाँ कह दिया, लेकिन घर जाके उसने विचार किया कि ये नीतिगत बात नहीं है, मैं इतना बड़ा राजकुमार हूँ और धर्मगत बात ये नहीं है कि हम मैं इस प्रकार से चोरी से जो है किसी लड़की के घर जाऊं, महल के अंदर जाऊं किसी राजकुमारी के। तो उसने वहां जाने का विचार त्याग दिया। अब ये जो दूसरा था प्राप्तव्यमर्थ, वो जा रहा था देखा एक आए कि लटका है तो वो चढ़ गया। तो राजकुमारी ने सोचा जिसको मैंने बुलाया है वही है, तो उसने उसको आसन सब दिया, उसका सत्कार किया और वो किया। तो उसके बाद उससे कुछ कहा कि हमने आपको देखा था और इस तरह से, तो उसने कह दिया प्राप्तव्यम अर्थम लभते मनुष्य। जैसे ही उसने कहा वो जान गई कि अरे मैंने जिसको बुलाया था वो तो ये था नहीं। उसने कहा निकलो यहाँ से, तुम कौन आए हो यहाँ, तो उसको निकाल दिया। तो जब वो उसको निकाला तो फिर एक खंडहर में वो चला गया। खंडहर में सोने के लिए जा रहा था तो तब तक एक कोतवाल जो है किसी और को बुलाया था, तो उसने कहा कि देखो तुम यहाँ पर मत सो,
हमने बहुत अच्छा सुंदर वहां पर बिस्तर लगाया, जाओ वहां पर सो जाऊं। तो वो वहां से गया, उसके बिस्तर पर सो गया। उसके बिस्तर पर सोया तो एक दूसरी लड़की थी, कोतवाल की लड़की, किसी और को वो दी थी। तो वो समझ करके वो उसको अपना ली। जब उससे बातचीत हुई, उसने फिर कहा प्राप्तव्य मर्थम लभते मनुष्य। उसने सोचा अरे अरे ये तो मेरा प्रेमी नहीं है, उसने भी उसको भगाया, वहां से भी वो भागा। उसके बाद देखा कि एक जा रहा था तो एक लड़की का विवाह होने जा रहा था, तो वो सज संवर करके और कंकण बांध दिया जाता है, जो बांध करके वेदी पर बैठी थी। तभी तब ऐसा हुआ कि एक हाथी जो है भगदड़ मचा दिया। जब भगदड़ मचाया तो ये प्राप्तव्य मर्थ जो है उसको बचाने के लिए उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उसको ऐसे अलग किया, और सारी भगदड़ से सारी बारात भी इधर उधर हो गई और जो वेदी थी वो इधर खंडित हो गई। तो जो है करके वो अपना हटा, उसको क्या मतलब था, उसको तो जान बचाने से मतलब था। तो अब जब सारी स्थिति अनुकूल शांत हो गई, तो वो उस लड़की का जब वर आया विवाह करने के लिए, उसने कहा जिसने संकट में मेरी रक्षा की है मैं उसी का वरण करूंगी, तुम्हारा मैं नहीं करूंगी, उसने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा है इसलिए यही मेरा पति है। कह करके उसने अपने पिता से कहा पिताजी इसी को मेरे को दान करो। तो एक विवाह तो उसका उस लड़की से हो गया जो वहां बैठी थी विवाह मंडप में, और तभी तक जो है वो राजकुमारी भी आ गई और राजा भी आ गया और सब स्थिति सामान्य होने पर, और वो कोतवाल की लड़की भी आ गई। अब उन लोगों ने कहा कि भैया हमारा परिणय इसी से हो चुका है, अब हम दूसरे से नहीं हमारा होगा। तो वो राजकन्या का विवाह भी उसी प्राप्तव्य मर्थ से हो गया, और कोतवाल की लड़की का विवाह भी उसी प्राप्तव्य मर्थ से हो गया, और राजा ने उसको अपना आधा राज्य दे दिया। तो इस प्रकार से जिसको घर से निकाला गया था, अब वो अपने सारे कुटुंब को बुला लाया, कहा कि अब हमको राज्य मिल गया, हम राजा हो गए, चलो अब रहो तुम लोग हमारे साथ। तो वो लोग बड़े खुश होकर के रहने लगे। तो इस प्रकार से उसने बताया कि जो प्राप्तव्य होता है वही मिलता है, तुम्हारे भाग्य में प्राप्तव्य जितना था उतना तुमको मिला, और जो प्राप्तव्य नहीं हुआ वो नहीं मिला। ये कथा उसने बता दी। और इस कथा का उपसंहार करते हुए हिरण्यक ने कहा कि यह सब भोग करके मैं बहुत ही दुखी हुआ हूँ, और दुखी होने के साथ भी आदमी को एकांतिक न दुख मिलता है न सुख मिलता है, जैसे कहा गया है, उन्होंने कहा है ना कालिदास ने, कस्य एकांतम सुखम उपचितम दुखम आत्यंतिकम में नीचैर गच्छत्युपरि ही दिशा चक्र नैमित क्रम है ना, उसी क्रम में मैं अत्यंत दुखी होकर के एक बिल के अंदर ऐसे ही समय समय पर आंसू बहाता रहता था, तब तक यह लघु पतनक नाम का कौवा मुझे मिल गया, इतने मित्र भाव से यह तुम्हारे पास ले करके आया है। क्योंकि कह रहा है आपत काले तु संप्राप्ते यन मित्रम मित्र में वतत, जिस समय आपत्ति का समय होता है उस समय जो वास्तव में मित्रता निभाता है वही मित्र है, वृद्धि काले तु संप्राप्ते दुर्जनों की सुहृद भवे, जिस समय अपने पास ऐश्वर्य है वैभव है उस समय तो दुर्जन भी सुहृद बन जाता है, लेकिन जिस समय आपत्ति आती है उस समय जो मित्रता निभाता है वही मित्र है। अंग्रेजी की कहावत आप लोगों को मालूम ही होगी, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड, बहुत अच्छी एक कहावत लगती है, जो आवश्यकता पड़ने पर जो अपनी मित्रता निभाता है वही इनडीड माने वास्तव में मित्र है। तो इस समय मुझे आवश्यकता थी मित्र की, मैं चुपचाप बैठा था बिल में और यह कौवा जो है मुझे मिल गया, और इस मित्र और यह कौवा इतना कौवा होने पर भी माने हमारे साथ इसका भक्ष भक्षक भाव होने पर भी इतना विद्वान है इतना उधार है कि इससे इस पर मुझे विश्वास हो गया। मंथरथ ने कहा कि यद्यपि मांसाहारी के साथ जल जंतुओं की मित्रता नीति से विरुद्ध है, फिर भी कार्य के अनुसार व्यक्ति मित्रता करता है और कार्य के अनुसार ही शत्रुता हो जाती है, इसलिए वो कहता है, मंथरथ भी कहता है हे लघुपतनक आप भी यहीं रहिए सरोवर के पास ऊपर डाल में, और हिरण्यक भी रहेंगे बिल में, और मैं भी यहाँ सरोवर में रहूंगा, हम लोग तीनों जने जो है एक साथ रहेंगे, क्योंकि
जो बादल की छाया है आज मैं वो लाई नहीं हूँ। बादल की छाया, दुष्टों की प्रीति, पका हुआ अन्न और स्त्रियां और यौवन और धन कुछ ही समय के लिए उपभोग योग्य है। विवेकी जितेंद्री लोग उससे स्प्रिहा नहीं करते, धन से स्प्रिहा नहीं करते। स्त्रियों का मतलब है वही माने जो प्रजनन करने के लिए स्त्री शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्रजनन तो कुछ ही दिनों के लिए होता है, माता बन जाती है स्त्री, उसके बाद वो माता हो जाती है, तो इसलिए उसको ऐसे कहा जा रहा है। और उसके बाद वो अपना घर संभालती है, अपने बाल बच्चे संभालती है, सब कुछ कार्य कर रही है वो, इसलिए वो कह रहे हैं हमेशा के लिए इनका उपयोग नहीं किया जाता है। धर्म है जो संतान प्राप्त करने का विधान है, तो गृहस्थ के लिए, तो इस प्रकार से उसको बताया है। और यौवन भी कुछ ही क्षण रहता है, कुछ टीन एज बीतने के बाद कुछ दिन के लिए 10 साल यौवन रहता है, उसके बाद धीरे धीरे व्यक्ति प्रौढ़ता की ओर आता है, ये भी नहीं होते। और धन भी जो है कुछ ही समय के लिए उपभोग योग्य है, इसलिए जितेंद्री लोग उसके प्रति स्प्रिया नहीं करते, मतलब एकदम पूरा कलेजा नहीं लगाए रखते हैं धन में, हाई धन हाई धन हाई धन नहीं करते हैं। धन है तो उसकी रहते हैं अच्छे से, उसकी रक्षा भी करते हैं, लेकिन दैव दुर्विपाकात अगर वो धन लुप्त हो जाता है, कोई चोर चुरा ले जाता है, नष्ट हो जाता है। अब धन की बात देखो, जब ये आया था कि भूकंप आने की बात हो रही थी, बार बार भूकंप आ रहा था, तो जितने लोगों का बैंक में लॉकर्स हैं, अगर बैंक में भूकंप आ जाए तो सब गड्ढे मड्ढे हो जाएगा, किसके में क्या है क्या पता लगेगा। एक समय ये सोचने का आया कि एक समय ऐसा आ जाएगा, प्रकृति का विप्लव आने पर ऐसा आ जाएगा कि मुकेश अंबानी और एक साधारण भिखारी एक पंक्ति में बराबर आ जाएंगे, है ना। तो ये सब समय समय का फिर है, क्योंकि धन जो है वो बहुत ही क्षणिक है, धन चिरस्थाई नहीं है, वो बराबर में ला देता है, प्रकृति बराबर में व्यक्ति को ला देती है। अभी तो कौन कितनी दूर है, वहां तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा होने पर प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं है। तो दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि धन की जो गति है वो नाशोन्मुखी है, धन के प्रति बहुत अधिक प्राण देने का काम नहीं है, पंचतंत्र कार्य, धन कमाओ। धन को कमाने के लिए कोई किसी भी शास्त्र ने धनार्जन का विरोध नहीं किया है, सब नीति शतककार कहते हैं यस्यास्ति वित्तम सनरह कुलीनः सपंडितः सह गुणवान गुणज्ञः सैव वक्ता सच दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। कांचन में जो चमक है, क्योंकि सामाजिक समरसता के लिए धन की बड़ी आवश्यकता है, इसीलिए धन को पुरुषार्थ कहा गया है। लेकिन कैसा धन, जो धर्म के अधीन होकर कमाया जाता है वह धन पुरुषार्थ है। जो चोरी डाका इत्यादि से, लूट पाट से और दस्यु वृत्ति से कमाया जाता है, वो धन वास्तुतः पुरुषार्थ नहीं है, वो वह अर्थ अनर्थ है, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि धन, और धन की स्थिति क्या होती है, धन रक्षण के लिए धन को नहीं रखा जाता है, धन नाशोन्मुखी है, खर्च करने के लिए आय जो है आय के साथ व्यय लगा हुआ है। अगर केवल आय आती रहे और व्यय ना हो तो क्या होगा, वो धन भी बेकार हो जाएगा। जो 2000 के हजार हजार के नोट, 500 के नोट जो थे, वो सब क्या हुआ, मोदी जी ने जो है टेंडर कर दिया कि 8 नवंबर के बाद, आज 12 बजे के बाद ये नहीं होंगे, तो जिनके बिस्तर के बिस्तर लगे हुए थे वो तो कागज हो गए। तो धन की गति नाशोन्मुखी है कि नहीं। और कह रहे हैं कि जैसे पानी में जो है मांस अगर छोड़ दिया जाए तो मछलियां उसको खाती हैं, और अगर मांस बाहर है तो हिंसक जंतु उसको खा जाते हैं, और अगर आकाश में है तो पक्षी उसको ले लेते हैं। तो धन को सब खाते हैं, है कि नहीं। अगर कोई धनी व्यक्ति है उसके पास सब चिपके रहते हैं, हमको दो, चैन ही नहीं लेने देते हैं, है ना। तो इसलिए धन की गति नाशोन्मुखी है, धन के लिए बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला है तो राजा भी उसको जो है दंडित कर देता है, उसको अपराध लगा देता है कि तुमने ऐसे किया है, तो उसके अंदर उसके यहाँ रेड डाल देता है ना, छापा मरवा देता है और उसके धन को ले लेता है।
और निर्धन व्यक्ति है वो कितना भी अपराध किया जाए उसको दो चार थप्पड़ मारता है, पैसा तो इसके पास है नहीं, जाओ कौन खिलाएगा जेल में भी, तो उसको छोड़ देता है कि नहीं। इसलिए कार्य, अच्छा एक बात पंचतंत्रकार ने बड़ी जोरदार कही है, ये समझने की बात है। अच्छा एक बात बेटा इसी के संदर्भ में हम आप लोग को बताना भी चाहते हैं, यह कार्य है धन का के इच्छुक व्यक्ति को जितना कष्ट होता है, जितना कष्ट धन कमाने में होता है और उसकी रक्षा करने में होता है और उसके उपभोग में होता है। अब जैसे धन आपने कमाया और आपने खूब बढ़िया मकान बनाया, उसमें खूब बढ़िया सोफा रखा, अब रात दिन उसके मतलब जो फर्नीचर वगैरह, अब क्या करना हुआ, रात दिन उसको उतना सुंदर बनाने के लिए रात दिन उसमें झाड़ू पोछाई लगाते रहो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जो मकान बनाते हैं और उनकी जिंदगी केवल मकान मकान सोचने में बीत जाती है। हमने देखा हमारे साथी हमारे मित्र लोगों ने, सूरत में मेरी एक मित्र है, बाल मित्र थी, तो उसको मेरे को अपने घर ले गई, हम बॉम्बे गए तो उसने कहा कि तुम आना, बचपन से बहुत मित्र साथी, हम लोग साथ ही पढ़ते थे, हिरण्या और वायस की तरह ही साथ ही पढ़ते थे, तो हम सोचे थे कि जाएंगे उसके घर। अब वो सवेरे से कहती थी रसोई साफ करना है, घर में पोता लगाना है, कचरा साफ करना है, पूरे जितने दिन हम रहे दो दिन यही बात उसकी हम सुनते रहे, और घर उसका खूब चमकदार बढ़िया बनाई थी। तो हमने सोचा कि ये ऐसे कहती है लेकिन हमसे नहीं होगा, ये हम तो नहीं कर पाएंगे, हमारा गंदा ही रहेगा, लेकिन हमको तो लघु सीतान कौमुदी की पंचानिनी व्याख्या का करेक्शन करना रहता है, हम कहां ये सब कर पाएंगे, जाने दो, कहने दो इसको। उसकी जिंदगी उसी में बीत गई। पहले तो घर बहुत बड़े घर की वो लड़की थी, जमींदार खानदान की थी यहाँ चौखंबा में, और कुछ ऐसा ग्रह चक्र रहा होगा, बहुत दिन तक विवाह नहीं हुआ, बीए पढ़ने के बाद, सब जमींदार थे तो लड़कियों को ज्यादा उस जमाने में पढ़ाते नहीं थे, तो जो है हम बीए तक उसने किया, उसके बाद वो तो बैठ गई घर, और हमने एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, मेरा जॉब भी लग गया, तब तक उसकी शादी ही नहीं हुई। उसके बाद बड़े दिन के बाद बहुत साधारण व्यक्ति से उसकी शादी हुई, तो कितने दिन तक तो उस घर के लिए ही वो ललकती रही, छोटे घर में ही रहती थी, फिर करते करते उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसने वो घर लिया, अब उस घर की सफाई में उसकी जिंदगी जाने लगी। तो ये धन की सबकी वैसी है, अगर वो नहीं करेगी सफाई तब भी तो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब नौकर से ही कराती थी लेकिन तब भी तो नहीं अच्छा लगेगा, तो लेकिन अगर आप धन के द्वारा अधिक उपकरणों को जोड़ेंगे तो आपको उनके रख रखाव में ही आपका समय चला जाएगा, ये तात्पर्य मेरा है, ये तात्पर्य मेरा नहीं है कि आप गंदे में रहिए, ये तात्पर्य नहीं है। तो लेकिन उसके लिए ये उदाहरण कितना बढ़िया दे रहे हैं, कह रहे हैं जितना आपको धन कमाने उसके रक्षण और उसके रख रखाव में जितना श्रम लगता है उसका सौवां हिस्सा यदि मोक्ष के विषय में सोचेंगे तो हो जाएगा। ये बात हमको आपसे कहनी है कि सौवां भाग भी यदि मोक्ष पाने में कष्ट कर ले तो मोक्ष अवश्य हो जाएगा। ये बहुत बड़ी संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसा एक आप बहुत अच्छी कहानी है, नहीं मेरे पास है बहुत अच्छी कहानी है कि याज्ञवल्क्य नाम से ऋषि थे, आप जानते ही हैं, उनकी दो स्त्रियां थी, एक मैत्रेयी और एक कात्यायनी। तो उन्होंने ये कहा कि अब मैं जो है गृहस्थ धर्म छोड़ करके अरण्य संस्कृति में जानता हूँ, बृहदारण्यक निषद में यह कथा है कि अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ और अब तुम लोग यहाँ रहो, अब हो गया गृहस्थी हो गई, अब तुम लोग रहो। तो वो मैत्रेयी कात्यायनी तो कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो साधारण गृह लक्ष्मी है, उसको उसके पास वो चिंतन नहीं है। तो मैत्रेयी कहती है कि जो चीज आप हमको यहाँ छोड़ करके चले जाएंगे उससे क्या मैं अमर हो जाऊंगी। तो वो कहते हैं यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते स्यात्, जैसे उपकरण वालों का जीवन होता है, ये सब सामग्री जिसके घर में होती वैसा तुम्हारा होगा। अमृतत्वस्य तु न आशास्ति वित्तेन मैत्री, हे मैत्री अमरता की आशा वित्त से नहीं हो सकती है, है ना। स्वयं नचिकेता कहते हैं न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, वित्त से मनुष्य की तृप्ति
नहीं होती। इसलिए पंचतंत्रकार बड़े सुंदर तरीके से ये बात कह दे रहे हैं कि यदि जितना अर्थ मतलब ये संसारिक चीजों में जितना हमें कष्ट होता है जुटाने में, संसार के सुख को प्राप्त करने के संदर्भ में जितना दुख हम प्राप्त करते हैं उसका 100वां हिस्सा अगर मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर दें तो वह प्राप्त हो सकता है। अच्छा, हम जब यहाँ पर पंचतंत्र पर व्याख्यान देने के लिए आए तो आने की बात हुई तो ये कहा गया कि छोटे बच्चे हैं आप लोग, छोटे बच्चे हैं आप लोग, केवल अर्थ और काम दो ही पुरुषार्थ को जानेंगे, धर्म और मोक्ष को नहीं पसंद करेंगे, मतलब जानेंगे क्यों नहीं। तो हमारा निवेदन यहाँ आप लोगों से यह है कि बेटा भूमि जो है वो छोटे से तैयार होती है। आप ये सोचेंगे कि हम जब बड़े प्रौढ़ हो जाएंगे, 60 साल पार कर लेंगे तब हम मोक्ष की बात सोचेंगे, कभी नहीं आएगी। आपको भूमि को अभी से तैयार करना होगा, आपको अर्थ और काम के साथ साथ धर्म और मोक्ष को भी साथ साथ ले चलना होगा, है ना। वो क्षमता आपके अंदर फिर धीरे धीरे विकसित होती जाएगी तब जब उसकी आवश्यकता होगी। धर्म तो शुरू से ही चाहिए, धर्म माने नैतिक शिक्षा, जो नैतिकता है, सच्चाई धर्म है, नहीं सत्यात् परो धर्मः नान्यतात् पातकं पर। तो सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्य से बड़ा धर्म क्या है कि सत्य निष्ठा से आप पढ़िए, सत्य निष्ठा से आप परीक्षा दीजिए, सत्य निष्ठा से आप उत्तम फल प्राप्त करिए। ये सत्य है, यहां से हमें सत्य को लेना है। तो यहां से जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम जानो पुरुषार्थों की अपनी अपनी क्षमता के अनुसार प्रैक्टिस करेंगे, तब जो है एक समय ऐसा आएगा तो हमारी वो भूमि बनती रहेगी। साथ लेकिन एक ये भी बात बता दें, हमारी छात्राएं जो हमसे पढ़ती थी, कोई छात्रा पागल की तरह पढ़ती थी, मैडम हम जो है ऐसी तपस्या करेंगे हम सन्यासी बनेंगे। हमने कहा मारेंगे तुमको, ठीक कर देंगे, हम ऐसे ही करते थे। क्योंकि ऐसा नहीं है, छोटी बच्चियों को सन्यास का अधिकार नहीं है, है कि नहीं। उनको उनका प्रथम धर्म गृहस्थ बनने का है। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हम सन्यासी बन जाएंगे, हम मठ में चले जाएंगे। अब जो जाती है वो अपने परिस्थितियों से जाए। हमारी दो छात्राएं सन्यासिनी हैं, आप लोगों को मालूम ही होगा, बहुत प्रसिद्ध सन्यासिनी है, पूर्णाम्बा और शारदाम्बा। वो मेरी विद्यार्थिनी है श्री विद्यामठ की। ऐसे छोटी बच्चियां थी, पढ़ने आती थी, उनके घर में उसी तरह का था इसलिए वो भी बन गई। उनके भाई ने पहले संन्यास लिया, उसके बाद उन लोगों ने लिया। तो वहां पर की बात हम नहीं उठा रहे, लेकिन सामान्य लड़की के लिए कभी भी सन्य। और दूसरी बात, वो सब इतना मुझसे प्रभावित हो जाएंगे, कहेंगे जैसी जिंदगी आप जीती हैं वैसे हम जाएंगे। तो मैंने कहा कि ये जिंदगी तलवार की धार में चलने के समान कठिन है, तुमको अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सबसे अच्छी छात्रा, जिस छात्रा को हम अपने अखंडम पुण्यानाम फलम कहते हैं, कौन, जो इस समय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वीकेम संस्कृत है, डॉक्टर शांता चटर्जी। जब उसका ऐसे विद्यार्थी थी, आती थी हमसे पढ़ने, तो उसने भी एक बार ये बात कही कि हमको गृहस्थी में नहीं है रुचि। हमने कहा बेटा अगर राम और सीता गृहस्थ नहीं होते, अगर राजा दशरथ और वो रानियां गृहस्थ नहीं होती तो राम जैसे पुत्र को कैसे पैदा करती। तो तुम्हारा अगर गृहस्थ भाव आएगा तो कोई अच्छी आत्मा तुम्हारे यहाँ आएगी, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा काम है। अन्यथा तो संसार लुप्त हो जाएगा, सब सन्यासी होने लगेंगे। तो वो तो हुआ ना कि अलर्क को जो मदालसा ने जो है 3 बच्चे पैदा हुए, तीनों को जो है ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे दिया, अब सब जो है सन्यासी हो गए, तब ब्रह्मा की सृष्टि कैसे चलेगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है, है कि नहीं। तो इस बात को ही ये कह रहे हैं। तो लेकिन ये भी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हमारे लिए धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है, अर्थ और काम ही पुरुषार्थ है।
अर्थ और काम पुरुषार्थ आपके लिए है, लेकिन धर्म के बारे में सोचना है, धर्म क्या है इसकी जिज्ञासा तथा तो धर्म जिज्ञासा से करनी है, और मोक्ष के बारे में भी सोचना है कि कभी ऐसा समय आएगा जब हमको इसकी इस पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। ये हम आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं। और बच्चों के अंदर बड़ी उर्वरा होती है, बच्चों का हृदय और बच्चों का मस्तिष्क बहुत उर्वर होता है और बड़ा उसके अंदर संभावनाएं, अनंत संभावनाएं होती हैं, है ना। तो चाहिए अच्छा मार्गदर्शक, एक आदर्श होना चाहिए। अगर हम सच्चाई की बात अपने विद्यार्थी के सामने कहते हैं, हमको पहले सच्चे होकर के अपने को दिखाना पड़ेगा। बच्चे का मन वहीं टूटता है जहां कि हम मंच पर बड़ी बड़ी बात करते हैं और नीचे उतरते ही अपनी खिचड़ी पकाने लगते हैं, तब बच्चे का मन टूट जाता है। हमारा मन भी बहुत टूटा है कई जगह। तो आजकल ऐसे मार्गदर्शकों की आवश्यकता है, आजकल ऐसे गुरुजनों की आवश्यकता है। जिनको ऐसे गुरुजन मिल जाए वो समझ लो कि उनका उनका बहुत पुण्य है। जैसे अच्छे शिष्य को प्राप्त करना अत्यंत पुण्य का कार्य है, वैसे ही अच्छे गुरु को प्राप्त करना भी अत्यंत पुण्य का कार्य है। कहीं कहीं गुरुजन अगर कुछ वो कर दे तो कहते ना, ज्ञानी अस्माकं सुचरितानि तानि सेवितव्यानि नो अपराणि। अगर हमारे जो सुंदर चरित्र है, हमारे जो सुंदर आदर्श है, उनको आप ग्रहण कर लो। अगर कोई मानवीय त्रुटि है, मानवीय कमजोरी है, तो उसको छोड़ दो। मनुष्य है, बहुत तरह की कमजोरियां उसमें उसके अंदर आ जाती है ना। तो उतने अंश को अलग कर दो, लेकिन जो अच्छाई है उसको ग्रहण करो, जो ज्ञान है उसको ग्रहण करो। ग्रहण करके फिर जैसे अभी इन्होंने कहा था, जो हमारे पहले वक्त थे, उन्होंने कहा कि आप अपने अनुसार उसको वो करिए, जो उसमें लिखा है उसको डिटो। आगे आकर के अपरीक्षित कारक में यही बात आप पढ़ेंगी, पूरा हेमा जी आपको समझाएंगी कि परीक्षा करके उसको ग्रहण करिए। पुराण मित्येव न साधु सर्वम, है ना, न चापि काव्यम नव मित्यवत पद्यम संतः परीक्षान्यतरत। आपका काम है कि आप परीक्षा करिए और जो आपके पक्ष में उचित लगता है उसको आप ग्रहण करिए। इसी परीक्षा की विश्लेषणात्मक क्षमता को का विकास करने के लिए भारत अध्ययन केंद्र में आपकी कार्यशाला चल रही है कि नहीं। तो इसी को कह रहे हैं वो। तब इतनी सब बात हो गई तो मंथरक ने हिरण्यक को आश्वस्त कहा किया, और क्या कहा उसने, देखो उसने कहा, को धीरस्य मनस्विनः सो विषयः को वा विदेशः स्मृतः यम देशम शयते तमेव कुरुते बाहु प्रतापार्जितम् जो मनस्वी है उसके लिए विदेश क्या है। उसने कहा ना, मैं अपने बिल को छोड़ करके अपना जहाँ रहता था वहाँ छोड़ करके आया हूँ, मेरा सारा धन लूट गया, मैं असहाय हो गया, मैं वहां पर जीवित ही नहीं रह सकता था, बहुत किसी तरह से मतलब सांस ले रहा था, तब तक मुझे ये मित्र मिल गया जो मुझे यहाँ तक लाया है। तब मंथरक कह रहा है, को धीरस्य मनस्विनः सो विषयः को वा विदेशः स्मृतः। कहा कि जो मनस्वी है उसके लिए स्वदेश क्या है, उसके लिए विदेश क्या है, वो तो जहां जाएगा वहीं पर अपना एक नया राज्य निर्माण कर देगा, है कि नहीं। इसलिए जो महापुरुष हुए हैं वो कभी अपनी जन्मभूमि में रहे नहीं है, उन जन्मभूमि के उनके प्रताप से, उन्होंने जो महान कार्य किए हैं उन महान कार्यों से जन्मभूमि जो है क्या हुई है, क्या हुई है, पूजित हुई है, समादृत हुई है, है ना। आदिशंकर के विषय में मैंने लिखा है, धृत्वा श्रुत्वा भारत भूमि मार्त वचनम आर्यांबिकां कंत्यजन धृत्वा दंडकमंडलूयति वरः काशाय चिरावृतः ग्रामं ग्रामम् अटत्यसौ उपदिशन् वेदांत वेद्यं विभुम्। मने भारत माँ के आर्त वचन को सुनकर,
आर्यांबिका की कोख को त्याग दिया, गोद को त्याग दिया। छोटा बच्चा था 7 साल का, 8 साल का, जो कि माँ की गोद में ही तो बैठता था। तो माँ भारत माँ की आर्त पुकार को सुन करके आर्यांबिका की गोद जिसने त्याग दी और क्या किया, धृत्वा दंड कमंडलु, दंड और कमंडलु ले लिया। यति वरह काशाय चिरावृत, तो इस प्रकार से अपनी भूमि को उसने त्यागा। तब जब मैं इसकी रचना कर रही थी तो कल ही बताया था कि वो बच्ची को मैंने तैयार कराया था, तो एक केरल से एक प्रोफेसर आए थे, कालेटी विश्वविद्यालय से आए थे वो, तो उन्होंने इससे कहा कि तुम्हारा बहुत अच्छा था। वो बात दूसरी है कि तुमको पुरस्कार नहीं मिला, कालो हयम निरवधिर विपुल आज पृथ्वी, उनको पुरस्कार जिनको देना था दे, इट इज मैटर ऑफ देयर मैटर, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसने कहा कि ये मेरी महोदया ने मुझे लिखवाया था, तो मेरे से भेंट किया। तो उन्होंने कहा कि कालटी का अर्थ होता है एट योर फीट। उस समय रचना हो रही थी आदि शंकराचार्य पर, तो इतना सुंदर श्लोक बना जिसको आपके सामने बता रहे हैं कि कैसे पूजित हुई। कालटी को तो त्याग दिया, लेकिन इतनी बड़ी युग प्रवर्तना की आदि शंकर का अवतार नहीं हुआ होता तो भारतवर्ष न रहता, पूरा बौद्ध हो गया होता। तो वहां पर जो है कालटी का गौरव कैसे बढ़ा, ये देखिए बहुत प्यारा भाव है, इसलिए आपके सामने रख रहे हैं। पादयोर्यस्य रेणुं निजं पावनम् अर्पणात् सार्थनामा भवत् कालटी। पादयोर्यस्य रेणुं निजं पावनम् अर्पणात् सार्थनामा भवत् कालटी। स्वांकमादाय तं शंकरं जन्मभू मातृवत्धन्यतामन्वभूत कोमला। माने कालटी जो है वो एक मुरली माधवन प्रोफेसर ने बताया कि कालटी माने एट योर फीट, तो उस समय आदि शंकर पर रचना चल रही थी, तो ये श्लोक बना कि जब शंकर जब बड़े हुए, जब घुटने के बल से थोड़ा चलने लगे, तो सबसे पहले आंगन में आए, और आंगन आजकल का ऐसा आंगन नहीं होता था, वो मिट्टी का ही होता था। तो मिट्टी के आंगन में जब उन्होंने पैर रखा तो कालटी ग्राम की धूल उनके चरणों में पड़ी, तो उन्होंने कालटी ने धूल को उनके चरणों में अर्पित किया। पादयोर्यस्य रेणुं निजं पावनम्, निजं रेणुं यस्य पादयोः अर्पणात्, अपनी धूल को जिनके चरणों में अर्पण करने के कारण कालटी क्या हो गई, सार्थनामा हो गई। एट योर फीट ये सार्थनामा हो गई, उसका नाम सार्थक हो गया, है ना। तो जैसे माता अपने गोद में रखा, क्योंकि माता बहुत दिन के बाद उनका जन्म हुआ था, तो उन्होंने वहां पर मैंने उनका वर्णन किया है, उरसि समनुयात स्तम यथार्यांबिकाया सुखाई तु मनु वेलां तं कलैः कर्णपेयैः। कहा कि जैसे अपनी किलकारियों से उन आर्यांबा के कानों में रस घोलने के लिए तो उनकी कोख में उतरे, है ना। जब माता को दस्तक हुई कि मेरे कोख में कोई आ गया है, कितना उनको आनंद हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्या की थी, बहुत दिन तक संतान नहीं हुई थी, और माता के शंकर भगवान की थी कि आप जो है हमको दीजिए संतान। तो किलकारी माँ क्या चाहती है, सबसे पहले बच्चे की किलकारी कान में सुनना चाहती है। तो उरसी समनुयात स्तम यथार्यांबिकाया सुखाई तु मनुवेलम तं कलैः कर्णपेयैः। कान से पीने योग्य जो कल है उनसे सुख देने के लिए जैसे तुम माँ के हृदय में, माँ की कोख में उतरे, उसी तरह हे भगवान मेरे अंदर आओ, मैंने प्रभु की है। कवाई तुम अभिरामई वाग विलासैर गभीरैर
अवतर तु महात्मन मानसे मे तथैव, ये अपने लिए प्रार्थना की है कि उसी प्रकार उस काव्यावतार के लिए मेरे मानस में उतर जाओ हे महात्मन, वैसे ही उस काव्यावतार को करने के लिए काव्य के रूप में मुझसे मेरे हृदय से अवतरित होने के लिए आप आओ। तो माता जिस प्रकार से जब उनके आर्यांबिका के, इसलिए स्वामी जी ने मेरा नाम आर्यांबा रखा है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने। तो जैसे माता जो है धन्यता को अनुभव किया, वैसे ही उस जन्मभूमि ने भी धन्यता को अनुभव किया। पादयोर्यस्य रेणुं निजं पावनम् अर्पणात् सार्थनामा भवत् कालटी स्वाङ्कमादायतं शङ्करं जन्मभूः मातृवद्धन्यतामन्वभूत् कोमला। वह कोमल जो कालटी थी, कोमल कोमल फूल वाली जो कालटी थी, उसने भी वैसा ही अपने को धन्यता का अनुभव किया जैसा कि काल माता ने आर्यांबा ने जैसे अपने को धन्य अनुभव किया है। इसलिए जब वो जिस समय जा रहे हैं उस समय कहा जा रहा है, धन्यम ते कुलमोत्तमम च जननी जाता कृतार्थाधुना ग्रामो धन्यतमो मृदस्य जनुषा शेषा पवित्री कृता धन्यम भारत वर्ष में तदखिलं ते कर्म भूमिर्महात् कीर्ति श्री मतिमन पवित्र मतिमन कीर्ति श्री धृतिमन पवित्र मतिमन हे विश्व मित्र प्रिया। तुम विश्व के मित्र हो। तो आदि शंकर क्या थे? ऐसे जो महान है, जो भी है महावना है, जिनका मन इतना विपुल है, व्यापक है, वही विश्व के मित्र हो सकते हैं। तो ऐसे विश्व का मित्र जब बनना है, मित्र संप्राप्ति इसी ओर संकेत कर रही है। मित्र संप्राप्ति छोटी छोटी चेतनाओं के साथ नहीं है, वैश्विक चेतनाओं की बात मित्र संप्राप्ति कर रही है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। दूसरे लोग अगर उसकी व्याख्या करेंगे तो हो सकता है अपने ढंग से करें, हो सकता है मैं थोड़ा सुपरफ्लुअस बोलती हूँ, लेकिन यह वैश्विक चेतना की बात है और आज से नहीं, ईसा पूर्व छठी शताब्दी की बात आप लोग कह रहे हैं। तो वो वैश्विक चेतना जो थी तभी आज तक हमारी संस्कृति जीवित है, अन्यथा कितनी संस्कृतियों का लय हो गया। तो इसी बात को वो कह रहे हैं, को धीरस्य मनस्विनः स्वविषयः को वा विदेश स्मृतः, तुम्हारे लिए और को ति भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेश सुविद्यानां कः परः प्रियवादिनां। यह कह करके और हिरण्यक्ष करें आपको ही सामू, देखिए एक मित्र जो अवसाद में है उसको किस तरह से ढाढ़स बनाना चाहिए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। अरे तुम कुछ नहीं हो, है ना? अध्यापक का कार्य क्या है? अध्यापक हमने अपने जीवन में यही किया है, पता नहीं सही किया गलत किया, कहीं अगर एक कणिका विद्यार्थी के अंदर दिख गई तो हम तो उसके जान के पीछे पड़ जाएंगे। कभी कभी कोई लड़की हमसे बहुत नाराज हो जाती थी, कहती थी कि यहाँ बहुत इधर उधर का काम, एक्स्ट्रा शिक्षण इतर कार्य बहुत होता है, पढ़ाते एक एक अक्षर थे तब भी लड़कियां कभी कभी हम लोग के ऊपर ठोक देती थी। और क्योंकि कुछ लड़कियां जो है केवल परीक्षा के लिए पढ़ना चाहती थी, कोर्स पढ़ना चाहती थी, और शुरू शुरू में जब बच्चे सोचते भी हैं, जब वो उनको सब पूरा तैयार करके जब यहाँ भेज देते थे, जब वो पीएचडी करते थे, पीएचडी करने के बाद में उनको लगाना पड़ता था कि हमको क्या क्या हम किए हैं, तब कहते थे मैडम आप इतना इतना कराए, देखिए अब ये काम आ रहा है। सामान्य लड़कियां हमको कभी नहीं पसंद की, जो विशिष्ट लड़कियां थी वो तो तैयार हो जाती थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मित्र का काम क्या है? मित्र का काम, मित्रता में खटास कब पड़ती है? मित्रता में खटास कब पड़ती है बताइए आप लोग? बीच बीच में आपसे क्वेश्चन सेशन भी तो होना चाहिए, अभी उन्होंने बताया, अभी बता के गए हैं, कब पड़ती है मित्रता में खटास? मित्रता एक परम पीयूष का भांड है, माने अमृत का भांड है, क्षीर का भांड है, दूध का भांड है, उसमें खटास कब पड़ जाती है बताइए? तो हम सुंदर सा श्लोक, हाँ कब पड़ती है?
जब स्वार्थ आ जाए, स्वार्थ आ जाए तो क्या करता है आदमी, स्वार्थ आता है तो क्या होता है। अभी उन्होंने वो जयचंद्र की और उसकी कथा सुनाई थी आप लोग को गंगदत्त के संदर्भ में, अपना ही हित चाहता है। उसमें एक चीज आ जाती है बेटा जो आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हो, अब ये फोटो खींच ले तब बताए। उसमें ईर्ष्या आ जाती है, जब ईर्ष्या आ जाती है तभी ना वो सिराजुद्दौला को नहीं आगे बढ़ने दिया। सिराजुद्दौला बहुत अच्छा शासक था, उसका वर्णन मैंने रक्षक गंगाम में किया है, और अपनी प्रेयसी से बहुत प्रेम, पत्नी से बहुत प्रेम करता था, और बीच में उसको वैसे मार दिया गया। बहुत ही कारुणिक वर्णन उसमें रक्षक गंगाम में इसका आया है, क्योंकि मैंने भी इतिहास लिया है उसमें, हिमालय से गंगा सागर तक जब गंगा जी की जो यात्रा प्रसंग है उसमें इतिहास बीच में लिया है, बिहार का भी बहुत इतिहास लिया है, और ये सब क्लाइव वाइव ये सब वो एक और था चार नाक था वो सब लिया है मैंने। तो जब बीच में ईर्ष्या आ जाती है, असूया कुढ़ना, अरे ये हमसे बढ़ के हो गया। इस पर एक श्लोक मैंने बनाया है, सुना दूं आप लोग को, बोर तो नहीं लग रहा मैंने मित्र, हम तुम्हारे मित्र है, तुम मेरे सुहृद हो, सुहृद मैंने शोभनम हृदय यस्य। लेकिन बीच में क्या हो गया ये पता, हम और तुम बैरी नहीं है, हम और तुम दुश्मन नहीं है, या बीच में जो नीच असूया आ गई है ये दुश्मन है हमारी तुम्हारी, हम तुम्हारे सुहृद है, तुम मेरे प्रिय हो, है ना। वैरिणी माम असूयाम विहाया धमाम, समझ में आ रहा है ना, वैरिणीम तिमाम अधमाम असूयाम वैरिणीम विहाय, इस वैरिणी अधम असूया को छोड़कर क्या करो, प्राप्नुया सख्य भावम पुनः सौख्यदम, क्यों तुम अदीय सुहृत ते हमस्मि प्रियः आवयो पावनम प्रेम जी व्याचिरम, मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, तुम मेरे प्रिय हो, तो हमारा पावन प्रेम तो बहुत दिन तक जीवित रहना चाहिए, लेकिन बीच में किसने आकर के खलल डाली है, इस अधमा वैरिणी असूया है ना, जो कि मंथरा के रूप में आकर के कैसे कह के ही के अंदर विष बो गई, नहीं तो कह के ही के तो प्राण थे राम, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि मित्रता जो है बहुत ही ऊंची है, और जब विपत्ति होती है उस समय मित्र जितना जितनी बड़ी सहारा करता है उतना दूसरा नहीं कर सकता है, और दूसरा भी अगर करता है, जब जब पुत्र को जब दुख होता है तो पिता अपने बच्चे को जब समझाता है तो मित्र भाव से समझाता है, माता मेरी माता तो बहुत ही मित्र भाव से हमको समझाती थी, है ना, मित्र भाव से समझाता है, पत्नी मित्र होती है, गृहिणी सचिव प्रिय शिष्या ललिते कथा विधौ कर के आया है, तो पत्नी मित्र होती है, पति तो सबसे परम मित्र होता ही है, तो ये सब मैत्री है, मैत्री का भी संबंध है, ये परस्पर के जो संबंध है वो तो है ही है पारिवारिक, लेकिन इस पारिवारिक संबंध में भी सौहार्द है ना, सब जगह सौहार्द है, उसका व्यापकता को लो तो फिर समाज में सौहार्द आता है, फिर राष्ट्रगत सौहार्द आता है, फिर विश्वगत सौहार्द आता है ना। बेस्ट फेवरेबल जो दिया गया, बेस्ट फेवरेबल छीना गया है ना उसका, बेस्ट फेवरेबल नेशन, इसका मतलब क्या है, ये सौहार्द का प्रतीक है बेस्ट फेवरेबल, उसमें से आज उसको हटा दिया गया है ना। मित्र संप्राप्ति का सबसे बड़ा आदर्श बेस्ट फेवरेबल ये लोग कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं आगे हम अभी बताते हैं आप लोगों को, ये कथा पूरी कर ले तब वही समझा रहा है कि कोति भारह समर्था नाम किम दूरम व्यवसाय नाम वो विदेश सुविद्या नाम कह परह प्रियवादी नाम, कह रहे हैं कि हिरण्यक्ष से कह रहा है मंथरा कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आप इतनी दूर आ गए हो इसके साथ में, क्योंकि समर्थ के लिए कोई भार नहीं है और जो व्यवसायी है उसके लिए कोई चीज दूर नहीं है, और जो जिसके पास ज्ञान है उसके लिए विदेश क्या है, जहां बैठेगा वहां चार उसके दोस्त बन ही जाएंगे, वाणी मात्र से सुनने मात्र से लोग आ जाते हैं, अरे कौन क्या बोल रहा है। हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं तो कम बोलते हैं जिससे कि कोई पहचाने नहीं, जब बोलने लगते हैं तो आसपास इतने बैठे होते हैं सब घेर लेते हैं मुंह सब निकलते ही, क्यों
क्योंकि मुंह से एक वाक्य निकलता है तो तुरंत आदमी सोचता है नहीं कुछ विशिष्ट वाणी है ना, जिसमें कहा है संस्कार वत्येव गिरा मनीषी तया सपूतश्च विभूषितश्च। संस्कारवती वाणी से जिस प्रकार विद्वान सुशोभित होता है, तो जितने भी विद्वान यहाँ आ रहे हैं और बोल रहे हैं वो संस्कारवती वाणी ही तो बोल रहे हैं, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि सुविद्या नाम, जिनके पास अच्छी विद्या है उनके लिए विदेश क्या है, उनके लिए तो वह विदेश भी स्वदेश हो जाता है। और कह परह प्रियवादी नाम, और जो प्रिय बोलने वाले हैं उनके लिए दूसरा कौन रह गया, फिर कोई शत्रु उनका रह ही नहीं गया। और आप क्या है हिरण्यकश्यप, वो कह रहे हैं आप तो प्रज्ञा निधि हैं, विद्वान हैं और असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं, इसलिए जो है आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचिए। जो धन आपका उस व्यक्ति के लिए पंचतंत्र बहुत ही ऊंची शिक्षा दे रहा है, जिसका कुछ पैसा कहीं वो हो गया है, जिसका कुछ नुकसान हो गया है, या कभी कभी हम लोगों से गिर जाता है, कोई चीज खो जाती है। अब एक दिन बाथरूम पे नहा रहे थे और अंगूठी थी उसकी पन्ने की, उसको निकाल दिया, निकाल कर डाल दिया उसमें बाल्टी में, और झोंक में जो है उसको डाल दिया। अब कहाँ मिलेगी वो, झोंक में जो है फ्लश कर दिए। तो अब उसके लिए हम चिल्लाए रोए, आप सबसे कहे मेरी अंगूठी खो गई। अब क्या सोचे कि वो उसका इसी तरह से जाना था, करके उसको उसी तरह से लेना पड़ेगा, अन्यथा और कोई उपाय तो है ही नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि उत्साह संपन्न, क्योंकि धन आता भी है और जाता भी है। अभी कह दिया, जब उसको आज से 18 साल तक वो मेरे साथ थी और कलकत्ता गए थे, कलकत्ता के बाथरूम में जो है वो गिर गई थी और दूसरी औरत नहा रही थी, उसने उसको नहीं देखा, हम जाके तुरंत उसको ले आए। 18 साल रही, जब जाना पड़ रहा तो दूसरा बहाना ली। तो हम उसके लिए अब क्या करने जाए, तो इसलिए कह रहे हैं उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेशु असक्तम। जुआ खेलना शराब पीना ऐसे व्यसनों में जो आसक्त नहीं है। आजकल एक वो बड़ा चला है ना हीरोइन, वो जो एक फिल्म थी ना हरे रामा हरे कृष्णा में वैसा है। शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। जो इस तरह के गुणों से संपन्न होता है उसके पास लक्ष्मी स्वयं ही रहने के लिए आती है। वह प्रयास करता रहता है, एक समय ऐसा आता है कि लक्ष्मी उसका वरण कर ही लेती है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है इसको बताया, और वो जो है ये बताया। फिर आगे ये कह रहे हैं मंथरक, फिर एक और कथा बता रहे हैं कि एक जुलाहा रहता था, उसका नाम सोमिलक था। अब देखो, अब कैसे धन के उपयोग की बात को कैसे कहा जा रहा है, धन के आने जाने की बात को कैसे, धन के आने जाने का उदाहरण दे रहे हैं परिवाह इवाम भसाम। बड़ा सुंदर इसमें उन्होंने उपमा दी है कि धन किस प्रकार से जीवित रहता है, जीवंत किस तरह रहता है और अमृत कैसे हो जाता है। कह रहे हैं जैसे जल जो है जब निरंतर बहता रहता है तब उसमें जीवन रहता है, अगर एक जगह तुम जल को इकट्ठा कर दो तो वो सड़ने लगता है, उसी तरह धन भी अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा तो वो सड़ेगा। उसका क्या होना चाहिए, परिवाह होना चाहिए, उसका आवागमन होते रहना चाहिए, देन लेन होते रहना चाहिए, है कि नहीं। जिसको आवश्यकता है उसको धन देना चाहिए, फिर जब वो जरूरत उसकी पूरी हो जाए तो वो लौटा देगा फिर दूसरा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिनको दो वो लौटाते ही नहीं है, तो उस स्थिति में यह सोचना है सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्थम के जति पतितः। ऐसा भी होता है कि नहीं, कि आप किसी चीज को, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है वो मांग ले जाते हैं, उसके बाद फिर वो लौटाना तो भूल ही जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता है लौटाने। तो वैसे लोगों से बहुत व्यवहार नहीं हो सकता, एक बार होगा दो बार होगा, है ना। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो पाई पाई लौटा देते हैं, तो उस समय उस धन से उनकी जो कार्य में जो सहजता होती है उससे उनकी कितनी अभ्युन्नति होती है। तो जब वो उनकी अभ्युन्नति होती तो हमारी भी तो अभ्युन्नति उतनी ऊंचाई पर जा रही है कि नहीं। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी नहीं जा रही है, मेरी भी अभ्युन्नति ऐसे ऊपर की ओर चल रही है। अब जो दूसरा व्यक्ति जो ले लिया नहीं दे रहा है तो उसको जरूरत पड़ेगी तो हम देंगे ही नहीं, हुआ कि नहीं। तो इस प्रकार से
तो एक कथा अब फिर सुना रहे हैं कि एक जुलाहा था, तो वो बेचारा अपना बुनता था, लेकिन बुनने के बाद भी उसको उतना नहीं मिलता था, खाने पीने भर को मिलता था, ज्यादा नहीं मिलता था। तो उसने एक बार अपनी पत्नी से कहा कि हम दूसरी जगह जाते हैं विदेश में और वहां से कमा करके लाएंगे। उस पत्नी ने कहा कहाँ जाओगे, यहीं पर रहो, संतोष करोगे। तो उसने कहा नहीं नहीं हम जाएंगे। तो वह बर्धमानपुर गया और बर्धमानपुर जाकर के उसने 500 मोहरे कमाई, कमा करके वो लाने लगा। जब लाया तो घर आने लगा, तो आते आते उसको रात हो गई। तो एक जगह वो जंगल में सो गया, तो उसको जो है उसका जब उठी उसके नींद खुला तो देखा कि उसके मोहरे गायब हैं। उसको बड़ा दुख हुआ और उसके बाद जो है फिर वो फिर दोबारा उसने सोचा अब हम खाली हाथ क्या जाएं अपने घर, ये तो बड़ी खराब बात है। फिर दोबारा बर्धमानपुर फिर गया कमाने, कहा जाने दो अब तो ऐसा हो गया है तो मैं जो है फिर दोबारा जाता हूँ। तो जो है दोबारा जा गया, दोबारा गया तो फिर उसने उद्योग नहीं छोड़ा और उसने कहा कि नहीं मैं उद्योग करूंगा, तभी लक्ष्मी आएगी और बिना लक्ष्मी के घर जाना भी उचित नहीं है। तो पहले 300 मोहरे कमाया था और दोबारा जब कमाया तो 500 मोहरे कमाया। 500 मोहरे कमा करके फिर आया तो फिर जो है रास्ते में रात हो गई तो फिर सोया हुई तो उसकी वो 500 हो गई। तो उसको बहुत दुख हुआ, उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, मेरे भाग्य में मैं इतना मैंने इतना उद्योग करने के बाद उसके बाद अर्जित किया और खो गया, कितनी निराशा होगी। तो निराशा के मारे उसने पेड़ में एक वो करके फंदा लगा के कहा यही प्राण त्याग देते हैं, हमारे भाग्य में तो है ही नहीं, तो हम क्या करें, अब परिवार को कैसे पालें। तो जैसे वो लगाने लगा तो एक आवाज आई, उसने कहा कि तुम ऐसे मरो मत, मैंने तुम्हारी मोहरे ली है और तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम्हारे भाग्य में ये चीज नहीं है, इसलिए तुम जो है भाग्य के देवता ने कर्म के देवता से कहा कि इसने तो इतना लिया है और भाग्य के देवता ने कहा इसके भाग्य में इतना है नहीं, कर्म के देवता ने कहा जब इसने कर्म किया है तो हम तो इसको देंगे जरूर। भाग्य के देवता ने कहा तुम कितना ही करो तुम दो, लेकिन मैं भाग्य का देखता हूँ, मैं ले लूंगा, इसके उसमें तो है नहीं। तब वो रस्सी जब गले में खींचा तो आकाश से एक पुरुष आया आकृति धारण करके, उसने कहा सोमिला तुम ऐसा मत करो, तुम्हारा धन चुराने वाला मैं ही हूँ, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भोजन और वस्त्र से अधिक नहीं। तो उसने कहा कि क्यों ऐसा है, उसने घर जाने के लिए कहा कि मैं ऐसे कैसे घर जाऊं बताइए, अब मैं क्या लेकर के जाऊंगा। कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे भाग्य में तो नहीं है, लेकिन चूंकि तुमको मैंने दर्शन दिया है इसलिए तुम मुझसे कुछ मांग सकते हो। अब भाग्य का अधिष्ठाता का जब दर्शन हो जाएगा, उसने अपने आप ही कहा कि वह है ना मम दर्शन फल परम अनुपा, तो तुमको मैं दूंगा, इस तरह कहा। तब सोमिलक ने कहा कि अगर तुम ऐसा ही कहना चाहते हो तो हमको धनवान बना दो। तो उसने कहा तुम्हारे भाग्य में तो धन है ही नहीं, तो धनवान बना के क्या करूंगा। तो सोमिलक बहुत अच्छी बात क्या कर रहा है, कृपणोपि अकुलीनोपि सज्जनैर वर्जिता सदा सेव्यते न नरो लोके यस्य चा वित्त संचय। कह रहे हैं कि जिसके पास धन रहता है वह चाहे कुलीन न हो कृपण हो, तभी लोग जो है उसके इसके पास धन है इसके पास धन, उसको एक पाई नहीं मिलेगा, ऐसे धनवान लोगों के यहाँ चले जाओ एक घूंट पानी पीने को तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन तभी आदमी सोचता है इतने बड़े महल में रहता है ऐसे उसके चलो उसके यहाँ, कहता है ना। तो उसने कहा कि ऐसा व्यक्ति पूजनीय होता है, हम ठीक है मेरे भाग्य में नहीं है मैं नहीं खर्च करूंगा, लेकिन तुम मुझे धनी बना दो। तो उस पर उसने ये बात कही कि एक कथा सुनाई, उसने सोमिलक ने आप कथा सुनाई है कि एक बैल था और उसके बैल रहेगा तो उसके वृषण तो लटकेंगे ही, तो उसके वृषण थे तो सियार और सियारिन उसके पीछे पीछे देखते रहते थे उसको। सियारिन एक दिन बोली सियार से कि इसके जो है बड़े पुष्ट वृषण है, इनको जो है तुम ले आओ हम खाएंगे। सियार ने कहा तुम कहाँ खुलगा, वो लगता था कि एकदम गिरेंगे ही गिरेंगे करके लगता था। तो उसने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता है, वो तुमको नहीं मिल सकते हैं, तुम अपना चूहा हुआ खा करके मस्त रहो। बोली चूहा खाने से हमारा मन बहुत उब गया है, हम तो वही खाएंगे। कहा अच्छा ठीक है चलो पीछे पीछे लगते हैं, जब गिरेंगे तब खाएंगे। अब 15 साल तक उसके पीछे पीछे लगे रहे और न वो गिरे न मिले, कुछ इसमें दम नहीं है कथा में, लेकिन ये कहने का मतलब यह है कि
जिसके पास रहता है उसके पीछे पीछे लोग लगे ही रहते हैं, जिंदगी बीत जाती है वो कुछ नहीं देते हैं लेकिन फिर भी लगे रहते हैं, इसलिए तुम मुझे ऐसा बना दो। तो उसने कहा अच्छा तुम फिर वर्धमानपुर लौट जाओ, समय हो गया क्या, अब हम समाप्त ही करेंगे, वर्धमानपुर लौट जाओ तो और वहां जा करके तुम दो हैं, एक है भुक्त उपभुक्त धन और एक है भुक्त धन। तो तुम जो है उन दोनों के यहाँ जाओ, गुप्त धन और उपगुप्त धन। तो गया तो गुप्त धन के यहाँ गया, तो उसने पहले उसको निकाला उकाला, उसके बाद कहा कि वो जबरदस्ती घुसा रहा तो उसको एक दिन का भोजन दिया, भोजन दिया तो दूसरे दिन जो गुप्त धन था उसका पेट खराब हो गया, तो उसका एक दिन का भोजन उसका बच गया, जो उसने उसको भोजन दिया था वो बच गया उसका। और उपभुक्त धन के यहाँ गया तो उसने खूब उसकी अवगत की और वो किया, तो उसके सामने जो है एक पुरस्कार आ गया राजा के यहाँ से। तो उसने सोचा कि दत्त उपभुक्त धन बनना ज्यादा उचित है कि नहीं, गुप्त धन बनने से। ये सोच करके उसने कहा था तुम क्या बनना चाहते हो ये मुझे बताना। तो भाग्य के देवता से उसने कहा मुझे उपभुक्त धन बना दो जिससे कि मैं दान भी करता रहूं और उपभोग भी करता रहूं, मुझे ऐसा बना दो। तो इस पर दान की बड़ी बहुत बड़ी वो किया है दान का और बहुत ही महिमा गाई है, अब समय नहीं है चूंकि इसलिए आप लोग जानिए। और उपनिषद का जो द द द है उसकी भी पूरी सार्थकता यहाँ है। और दान दान की तीन गतियां हैं, दानम भोगो नाशक, तो नाश कर धन की, तो धन को दान करने से और भोग, दो गतियां दो गति करनी चाहिए दान और भोग, और तीसरी गति में उसके नहीं आनी चाहिए। अब देखिए अब इसको समाप्त करती हूँ। यह सब कथा सुनाने के बाद तब तक देखा कि वो लोग आपस में वार्तालाप ही कर रहे थे कि एक हिरण दौड़ करके आया और एकदम जल्दी से तालाब में घुस गया। तो मंथरथ ने यह सोचा कि ये इसको क्या हुआ, तब उसने कहा कि देखो ये तो जीति का शब्द कर रहा है, ये डरा हुआ है, देखा कि शिकारी उसके पीछे लगा है। तो उन लोगों ने जो है तब तक दूर से कौवे ने देखा और कहा कि देखो उन लोगों के पास बहुत सा, उसने आया वो उसने कहा कि मेरे सारे परिवार को मार दिया गया है और मैं ऐसे बच के आया हूँ। और उसके बाद उसने कहा कि तुम डरो मत, ये लोग चले गए हैं और अब तुमको नहीं मारेंगे। अब वो चारों देखो अब चारों की मित्र संप्राप्ति होगी, चारों की मित्र संप्राप्ति होगी, अब रहने लगे। एक दिन देखा कि तीन मित्र हैं और एक मित्र गायब है चित्रांग। तो फिर खोजे सब चित्रांग को, देखे कि चित्रांग बेचारा जो है वो जाल में आबद है। तो किसी तरह से उसको जाल से उसको निकाले, वो लोग निकाल दिए जाल से, फिर वो निकल गया। तो जब तक वो चित्रांग आबद था उसको निकालने के वो चक्कर में थे, तब तक मंथरक जो है वो नहीं सह पाया। मित्रता ऐसी चीज है, वो धीरे 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 करके आगे बढ़ गया। चित्रांग तो बच गया लेकिन मंथरक फंस गया। अब मंथरक जब फंस गया तो उसने तीनों सर पीट लिए, अब इसका क्या करें, हम लोग तो तुम बिल में घुस जाओगे, तुम आकाश में घुस जाओगे, तुम दौड़ जाओगे, ये मंथरक क्या करेगा। तो आप क्या करें, तब उन्होंने फिर उपाय ढूंढा, उपाय ढूंढा, कहा देखो ऐसा है कि तुम जो है मरे की तरह सांस मत लेना, मरे के जैसा बन जाना और मैं तुम्हारे ऊपर ठूंठ मारूंगा, कौवे ने कहा। और जब तक वो तुमको लेने आएगा तब तक मैं इसका पांच काट दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। अब जब शिकारी लेकर के चली रहा था, देखा कि बीच में मरा हुआ हरिण है, उसने कहा अरे ये हरिण तो उस दिन बच गया था, आज मर गया, चलो इसको लेते हैं करके, और इसको तो हम कस के बांधे ही हैं, ये कहाँ जाएगा। ये सोच के उसको लेने जब तक गया तब तक कछुए का पास हिरणियक ने फट से काट दिया, कछुआ जो है तालाब में घुस गया, चूहा बिल में घुस गया और कौवा डाल पर चल आकाश में उड़ चला और वो भाग गया। अब चारों मित्रों की जिंदगी बच गई और राधा जो है सिर पटक के अपने घर चला गया। यही मित्र संप्राप्ति है। लेकिन इस मित्र संप्राप्ति की कहानी में इतनी सुंदरता से जो बताया गया है, यह पूरे जीवन का इसमें सार है। और जितनी इसकी व्याख्या की जाए, समय आज को हमारे पहले वक्ता ने ले लिया मेरा आधा घंटा, इसलिए हम इसका बहुत वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज के संदर्भ में भी वह मित्र संप्राप्ति कछुए की कौवे की कहानी नहीं है, यह हमारे और आपकी कहानी है। जहाँ विरुद्ध स्वभाव की बात है, विरुद्ध स्वभाव की मित्रता की चाशनी में जो पिरोया गया विरुद्ध स्वभाव है, वह भी
जो है अनुकूल हो गया है, भक्ष भक्षक भाव तिरोहित हो गया है, मित्रता के प्रेम में इतनी मिठास है कि उसमें भक्ष भक्षक भाव तिरोहित हो गया है और वो परस्पर दृढ़ बंधन में मित्रता के बंधे हैं। मैं क्या कह पाई क्या नहीं कह पाई, अगर कुछ मेरी कमी रह गई तो आप लोग क्षमा करिएगा, अगर कोई अच्छी बात बताई हो तो उसको ग्रहण करिएगा, आपका कल्याण हो, आपको मित्र संप्राप्ति हो। मित्र संप्राप्ति से बड़ा धन कुछ नहीं है। मैं अपने विद्यार्थी से कहती हूँ, तुम मेरे अखंड पुण्य की फल हो, वो मेरी परम मित्र है जो मेरे आगे इस समय कर रही है कार्य, एक विद्यार्थी के रूप में पढ़ने आई थी, उसको मैं कहती हूँ तुम मेरी अखंड पुण्य की फल हो। तो मित्र की संप्राप्ति अखंड पुण्यों का फल होता है और आप सबको मित्र संप्राप्ति हो, गुरु के रूप में मित्र संप्राप्ति हो, मार्ग निर्देशक के रूप में गुरु मित्र संप्राप्ति हो, माता पिता के रूप में हो, और जहाँ आप विवाह करके जाएं उस परिवार में आपको मित्र संप्राप्ति हो, सबसे बड़ी चीज तो यह है, और आप लोगों को भी मित्र संप्राप्ति हो जिस ससुराल में आप लोग जाए, और सबका कल्याण हो, और हमारा राष्ट्र जो है मित्र संप्राप्ति के पुण्य पीयूष में डूबे, इसी शुभ